हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। मेरा नाम रेनू है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स सब के लिए भेज रहे होंगे, ताकि आप बहुत सारी खुशियाँ और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सको अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर है मेरे पास आज के लिए संदेश, क्या है गणेशा गाइडेंस आप लोगों के लिए आज के लिए, वो देखेंगे। आप एक पायल, दो पायल या तीनों पायल भी चूज कर सकते हो और क्लेम कर सकते हो इस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर है फर्स्ट कार्ड गणेशा का, हीलिंग। आपकी हीलिंग हो रही है, लेकिन प्लीज पास्ट में जो भी हुआ उसको देखना छोड़ दीजिए, वर्तमान में आ जाइए, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कीजिए। और साथ में जो भी आपके आइडियाज आपको दिए जा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उनके ऊपर काम कीजिए, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कीजिए। तो यहां पर आपको काम करना है फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय करना है, पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कीजिए और प्लान कीजिए। एक्साइटेड, गेट एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर, जो भी आपके फ्यूचर प्लानिंग है। ऑर्गेनाइज कीजिए खुद को, आइडियाज को लिखिए, जो भी इंस्पिरेशन आपको दी जा रही है उन आइडियाज को लिखने की जरूरत है, उनके ऊपर काम करने की जरूरत है, थमने की जरूरत है, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने की जरूरत है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे एम्ब्रेस, सिक्स ऑफ चैलेंजेस और डेथ। एम्ब्रेस है, जो भी आपकी तरफ आ रहा है उसको एम्ब्रेस कीजिए, चाहे पॉजिटिव एनर्जी है, चाहे पॉजिटिव लोग हैं, चाहे वो आपकी सोल फैमिली है, चाहे बहुत सारी आइडियाज, इंस्पिरेशंस, अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए जो आपकी तरफ आ रही हैं, उनको एम्ब्रेस कीजिए, उसको गणेशा का प्रसाद समझिए और उसको अपनाइए खुशी खुशी, और ग्रेटिट्यूड पे कीजिए एवरी डे। यहाँ पर जो भी हुआ वो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए था। सिक्स ऑफ चैलेंजेस, जो आप पुरानी यादों में डूबे हुए हो उनको छोड़कर अपनी इंजॉय कीजिए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को, जो बदलाव आप में आ रहा है, जो नयापन आ रहा है, जो आपका रीबर्थ हो रहा है, बहुत सारी चेंजेस जो आ रही हैं उसको अपनाइए, उस पर फोकस कीजिए, उसको इंजॉय कीजिए, उसको एम्ब्रेस कीजिए, इस बदलाव को, इस अपॉर्चुनिटीज को। ये डेथ लाने के लिए ही, राइट, पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए ही आपकी ये जो है नेगेटिव चेंजेस को, या जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही थी आपको, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो आपके जॉब्स हैं, कुछ भी जो है लोग हैं आपकी दुनिया में, तो उनको अलग किया जा रहा है, आपको अलग किया जा रहा है, क्योंकि आपकी जो है मंजिल कुछ और है। तो उसको देखिए, अपने आप को पहचानिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं ये। ओल्ड बिलीफ्स को छोड़ दीजिए, नए बिलीफ्स को बनाइए, नएपन को अपनाइए, ये रीबर्थ को एंजॉय कीजिए। एम्पावरमेंट सेवन ऑफ चैलेंजेस के साथ, जो भी सोलर प्लेक्सिस चक्रा की आपको बहुत सारी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन दी जा रही है, जो आपकी ग्रोथ के लिए आपको दी जा रही है, उसको यूज़ कीजिए। सन की एनर्जी, बहुत पावरफुल एनर्जी, आजकल आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते होंगे, वो इसलिए है ताकि आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सके सेवन ऑफ चैलेंजेस के साथ। उन सेवन कप पे मत ध्यान दीजिए जो खाली हैं, जो एम्प्टी हैं, ध्यान दीजिए क्या आपको दिया जा रहा है। क्रिएटिविटी, आपका पैशन आपको लौटाया जा रहा है, उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। कुछ भी नया जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपने करियर के लिए, अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उस फायरी एनर्जी को यूज कीजिए, इस मोटिवेशनल एनर्जी को यूज कीजिए, वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको भेजी जा रही है। बहुत सारी क्रिएटिविटी और पैशन मुझे नजर आ रहा है थर्ड पाइल के लिए। आपको अपनी क्रिएटिविटी, अपनी हॉबीज को ध्यान देने की जरूरत है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, जो भी आपका पैशन है उसको फॉलो कीजिए, ये एनर्जी उसके लिए आपको दी जा रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड बाय फॉर नाउ।